जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए के हटे 100 दिन बीत चुके हैं। जिस तरह इसके विरोध में यहां हिंसा और ब्लड बाथ की आशंका जताई जा रही थी, ठीक इसके उलट माहौल दिख रहा है। बीते 100 दिन शांतिमय रहा है, कहीं से भी हिंसा की कोई बड़ी खबरें नहीं आई। वहीं जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बने धारा 370 और 35 ए के हटाए जाने का सकारात्मक असर अब नजर भी आने लगा है। राज्य में तेज गति से विकास के सफर की शुरुआत हो चुकी है। खबर के मुताबिक राजौरी जिले के दूर दराज के गांव में लगभग 20,300 घरों को आजादी के बाद पहली बार बिजली की रोशनी नसीब हुई है। इन इलाकों के लोग आजादी के बाद से ही बिजली आपूर्ति से वंचित थे। मोदी सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के तहत 20,300 घरों में बिजली उपलब्ध कराई गई है। यहाँ रहने वाले लोग सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन पाकर बेहद खुश हैं। इससे पहले इन इलाकों के लोग मोमबत्तियों और मिट्टी के तेल के लैंपों की रोशनी में रहने को मजबूर थे। इन इलाकों में बिजली पहुंचने से यहाँ कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा है। नई नई दुकानें खुलने लगी है। लोहे का काम करने वाले दुकानदार वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करने लगे हैं। घरों में बिजली पहुंचने से उत्साहित लोग पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं।